रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं हूं आपका चहेता विजेता। कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े साहित्यिक होते हैं, वो ईश्वर की देन होती है उनके अंदर, और वो फिर दुनियादारी को जब समझते हैं तो नई नई चीजें विकसित करते हैं, लेकिन वो साहित्य जो है उनके अंदर घटता रहता है और वो साहित्य कहानियों के माध्यम से बाहर निकल कर आता है और लोगों के सामने प्रकट होता है। तो हमारे साथ वो हैं जो बहुत ही कमाल कर रहे हैं। खास बात है इनकी कि ये बिहार के रहने वाले हैं और बिहारी फ्राइड को हम लोगों को एक नई चीजें दे रहे हैं। इन्होंने एक बेहतरीन ऐप, एक ऐसा ऐप निकाला है जिसकी मदद से आप बहुत सारी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो ज्यादा बताएंगे उस ऐप के बारे में। मैक टैप ऐप है उसका नाम। और खास बात इनकी ये है कि ये एक बेहतरीन राइटर भी हैं। 11वीं बुक है इनकी ये, और ये देखिए ये बुक है, 10 ऑलरेडी ये बुक लिख चुके हैं, और जिन्होंने कमाल का किया है, जो पाठकों तक पहुंचा है, जो लोगों तक पहुंचा है। हमारे साथ हैं सत्यपाल चंद्रा सर। बहुत बहुत सत्यपाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। आपने बहुत अच्छे से वेलकम किया, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो मैंने जैसे अभी विकिपीडिया में भी मैंने पढ़ा है आपको या लोगों से जाना है कि भाई आपने एक मैक टैप भी, एक आप उसके सीईओ हैं, फाउंडर हैं, साथ ही साथ आप राइटर भी हैं। तो ये बड़ा गजब का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि राइटर तो अपनी दुनिया में मगन रहता है, लेकिन एक ऐप निकालने के लिए, उसको रन करने के लिए, एक सीईओ के लिए बहुत कुछ समझना पड़ता है। हाँ जी, तो दोनों का बैलेंस कैसे किया आपने? दोनों में सर, अगर सबसे अच्छी खास बात ये एक राइटर में, एक क्रिएटिव पर्सन में और एक एंटरप्रेन्योर में जो कुछ बनाता है, सबसे अच्छी सिमिलैरिटी की अगर बात करें तो सिमिलैरिटी की दोनों दे क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। पहले कुछ नहीं होता है, ये दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, मेहनत करते हैं और कुछ ना कुछ बना देते हैं। बेसिकली ये दोनों की स्टोरी बड़ी सेम है। मैं बिहार से आता हूँ, मैं हिंदी मीडियम में स्टूडेंट था, हमने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की। एक बार दिल्ली में क्या होता है, मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में, एक वेटर वहां पे आया। वहां पे क्या, उसने मेन्यू इंग्लिश में होता है ना, अच्छे अपर क्लास रेस्टोरेंट में वेटर होते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली वो लाइक टू हैव, ये वो। और बिकॉज मैं बिहार से हूं तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैं ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश कर रहा था, और उसने मुझे एक लुक दिया। लुक वैसा था कि इधर मैं इस देश का थर्ड क्लास सिटीजन हूँ, या मैं बहुत ही बेवकूफ हूँ, या मैं बहुत ही गंवार हूँ। मैंने अपने आप से पूछा कि उसने लुक ऐसा क्यों दिया, मेरी गलती क्या है? मैं बिहार से आता हूँ, अगर इंग्लिश नहीं आ रही इसमें मेरी गलती नहीं है, बिकॉज मेरी मदर टंग हिंदी है, तो मैं हिंदी में बोलूंगा। बट फिर लगा कि यार अगर मुझे इस शहर में रहना है, या मुझे कुछ बड़ा सोचना है, या मुझे कुछ बड़ा करना है, तो ये जो जस्टिफिकेशन मैं अपने आप को दे रहा हूँ कि यार मैं प्राउड हूँ, मैं बिहार से आता हूँ, इसको खत्म करके इसको वीकनेस पे काबू पाना। हर इंसान के अंदर कुछ वीकनेस होती है, और मुझे लगा कि इंग्लिश सीखना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, बट मैं जहां मैं जाने की सोच रहा हूँ एक ग्लोबल लेवल पे, तो वहां पर बहुत जरूरी थी। तो मैंने कहा कि नहीं, ये बेइज्जती का आखिरी दिन है, 6 महीना डेडलाइन मैंने अपने आप को सेट किया, 6 महीने मुझे इंग्लिश सीखनी ही सीखनी है। मैंने अपने आप को बंद कर लिया घर में 6 महीने, मैं सबसे पहले मैंने इंग्लिश सीखी। तो कैसे सीखा भाई इंग्लिश? मैंने इंग्लिश न्यूज चैनल देखना, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना, इंग्लिश बुक पढ़ना, इंग्लिश की मूवी देखना, वो 6 महीने मेरे लिए ऐसा था कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इंग्लिश सीखना। 6 महीने में अपने आप का प्रण था, मैं एक दिन लिखता था, 180 डे मीन्स 180 डे, नो मैटर कुछ भी हो जाए, सारे खत्म, कुछ मेरे लाइफ के कदम, मेरी सोशल लाइफ खत्म थी, मेरी कोई भी लाइफ नहीं थी, सिर्फ मुझे इंग्लिश सीखना था। मुझे लगता था जब 180 दिन के बाद मैं जब निकलूंगा, जो अपने आपको सेल्फ कमिट किया, उसके बाद आपने 10-11 किताबें इंग्लिश में लिख दी। हाँ, उसके बाद मैंने जब पहली बार जब वो हमने इंग्लिश सीखी, तो उसके बाद मैंने बहुत नॉलेज की चीजें पढ़ने लगा, बुक पढ़ने लगा, इंटरनेट एक्सेस करने लगा, तो मेरा जो नॉलेज का डायमेंशन था बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर मुझे लगा यार मैं बिहार से आता हूं, क्यों ना कुछ हटके किया जाए। फिर मुझे लगा कि मेरे अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी है, तो मैंने पहली बुक लिखी, द मोस्ट लिवर बैचलर। बुक से बहुत अच्छी रिकॉग्नाइजेशन मिली, मुझे लोग बुलाने लग गए, तो मुझे लगा यार जिन लोगों को मैं कहीं जानता नहीं था, मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ जहाँ आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मेरे गांव के 95% लोग इलिटरेट थे जब मैं था, अभी भी वो 50% के आसपास होगा। मुझे लगा कि यार जो लोग यहाँ पे IAS है, IPS है, बहुत अच्छे सेलिब्रिटी है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन, वो मुझे बुलाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है जहां मुझे जाना चाहिए, मुझे अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैंने 10 बुक लिखी। बुक लिखने के बाद ये पता चला कि यार मैं एक गांव से आता था, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी और मैंने बड़ी प्रॉब्लम फेस की। अगर मैं इंडिया के पर्टिकुलर सिनेरियो की बात करूं तो मेरे ऐसे 90% लोग हैं आज भी, हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं होती है। जैसे हम बिहार से, तो हमारी मदर टंग हिंदी है, भोजपुरी है, मैथिली है, झारखंड में जाएंगे तो झारखंडी है, तमिल है, तेलुगु है, और जो सबसे 90% इंडियन लोगों को भारत सरकार के डेटा के मुताबिक इंग्लिश तो उनकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश में पढ़ लिख समझ सुन नहीं सकते। बट दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जो 90% आज के टाइम में जो कंटेंट है, स्टैंडर्ड कंटेंट, जैसे कोई बुक हो गया बहुत अच्छा, न्यूज़पेपर हो गया, कोई अच्छी बहुत अच्छी ई बुक हो गई, कोई PDF हो गया, या इंटरनेट पर कोई बहुत अच्छी वेबसाइट हो गई, हिंदुस्तान टाइम्स, फोर्ब्स, फेमिना, विकिपीडिया,
आज भी इंग्लिश में अवेलेबल है। अब देखिए कैसा कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, 90% लोगों को इंग्लिश नहीं आती बट 90% कंटेंट आज भी इंग्लिश में अवेलेबल है। और जस्ट और ये जो 90% जनता वो उस कंटेंट को पढ़ ही नहीं सकती। अभी जियो के आने के बाद इंटरनेट हर घर घर में पहुंच गया, बट प्रॉब्लम ये है कि लोग उसको यूज कैसे कर रहे हैं, या व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे या वीडियो वीडियो देखेंगे दिन भर, उसका कोई यूज स्किल डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रहा, नॉलेज गेन के लिए नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो समझ नहीं आएगा, कहेगा यार मेरे बस की बात नहीं है। पहले क्या होता था, अभी जैसे आपने कोशिश की, आप जैसे हिंदी मीडियम आपने कोशिश की एक ना टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने की, आप गए 4-5-10 ऐसे भारी वर्ड मिल गए, कहे नहीं यार अगर हिंदी में होता तो पढ़ूंगा नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। हम क्या करते हैं, पहले डिक्शनरी खोलते हैं, उसमें मतलब देखते हैं, समझते हैं, या फिर गूगल में उसका मतलब देखते हैं। इसमें होता क्या, ऑनलाइन कॉपी पेस्ट करने में टाइम बहुत लगता है, जो मतलब ही लिखा होता है बड़ा लंबा चौड़ा बोरिंग टाइम होता है, जैसे एक बड़े लंबे लंबे वर्ड लिखे होंगे जो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो मैंने कहा यार चलो मैं तो यहाँ पे पहुंच गया, मैं अच्छी जगह पे पहुंच गया, 10 नॉवल लिख दी मैंने, काफी वेब सीरीज प्रोड्यूस कर लिया, बट कहीं ना कहीं अंदर से वो चीज थी क्या, जो प्रॉब्लम मैं फेस करके बड़ा हुआ, आज भी करोड़ों लोग इंडिया में प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। सो मैं एक सोल्यूशन के साथ आया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि लेट्स मेक एन ऐप जहां पे अगर कोई बंदा कुछ भी पढ़ रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन या डिजिटल डॉक्यूमेंट में, और पढ़ते पढ़ते कोई भी वर्ड पे अटक गया तो उसका विजुअल मीनिंग मिले। चित्र के साथ चीजें बहुत जल्दी याद होती है, अपने दृश्य मूवी देखी होगी, वो क्या करते हैं क्राइम सीन उनको नैरेट नहीं करते, वहां जाते हैं ताकि 6 साल का बच्चा भी नहीं भूलता, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग जो विजुअल होता है हमारे दिमाग में 60,000 गुना तेजी से हमारे दिमाग में प्रोसेस होता है, 6 गुना ज्यादा इन्फॉर्मेशन था वर्ड की तुलना में। तो मैंने वो कॉन्सेप्ट पे काम किया, कोई भी वर्ड को टच करो उसका विजुअल मीनिंग मिल जाएगा। फिर वो विजुअल मीनिंग कॉन्सेप्ट हुआ, उसको हमने ब्राउजर में लॉन्च कर दिया, हमने ब्राउजर में ताकि आप कोई भी कंटेंट ऑनलाइन पढ़ लो, हमने डॉक्यूमेंट रीडर में उसको इनबिल्ट कर दिया ताकि कोई भी पीडीएफ वर्ड एक्सेल पढ़ लो, हमने एक फिजिकल डिक्शनरी बना दिया कि पढ़ते पढ़ते वो कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ, टाइप कर दो वॉइस कमांड दे दो, तो जो पढ़ने लिखने वाली जो प्रॉब्लम थी जो आम जनता पढ़ नहीं सकता था, वो आज इंडिया में आप यकीन नहीं करेंगे, नॉट इवन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब 95 कंट्रीज में लोग मैकटप यूज करते हैं, इंडिया में 12 लैंग्वेज और विदेश का 29 लैंग्वेज अभी भी अवेलेबल है। तो शिव सत्यपाल भाई थोड़ा हम फ्लैशबैक में चलते हैं, जब आप गया में थे तो बचपन में क्या बनना चाहते थे, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपकी लाइफ में कि आप एंटरप्रेन्योर भी बने और प्लस राइटर भी बने, ये कैसे हुआ? सर अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मेरा बचपन करीब करीब यहाँ के जो 99% लोग आते हैं मेरा ये बिल्कुल वही था, बहुत ही गरीब घराने से आना, 10th क्लास तक पढ़ना कैसे भी, 10th क्लास पर पढ़ने के लिए पैसे नहीं होना ये, फिर आप स्ट्रगल करना, पटना आना, ट्यूशन पढ़ाना, रेलवे छोटी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, वहां फेल हो जाना। तो मैं वो जो सारे फेज है जो मैक्सिमम आज के स्टूडेंट भी करते हैं, खाने को पैसे नहीं है, ट्यूशन जाने को पैसे नहीं है, ट्यूशन पढ़ा के पढ़ना, मम्मी पापा आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, आपको घर का ऊपर प्रेशर है कि जॉब करो, घर वालों को सपोर्ट करो, घर में आपके पीछे कोई है जो आप पे डिपेंडेंट है, तो जल्दी जल्दी जॉब लो। तो दुनिया में जितने काइंड ऑफ प्रॉब्लम है आई हैव बीन थ्रू एवरीथिंग, मैंने सारे फेस किए। फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैंने 2-3 साल मैंने बहुत जॉब की, ऐसे कोई सेक्टर नहीं हुआ, कॉल सेंटर, बीपीओ, केपीओ, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मैंने सब में जॉब की। आज मैं जब देखता हूँ जो सारे खराब पल थे, मुझे लगता है जिंदगी का सबसे अच्छा पल था, इस पल ने मुझे बहुत प्रैक्टिकल बना दिया, बहुत मैच्योर बना दिया और बहुत ही नॉलेजेबल बना दिया। तो लाइफ में आपके साथ कुछ भी हो रहा है ना, आई थिंक आपको लॉन्ग टर्म में देखोगे ना बहुत बेहतरीन के लिए होता है, बहुत भले के लिए होता है। तो वो फिर कैसे लगा कि कब आया ये जिंक्स कि मुझे लिखना चाहिए, मुझे राइटिंग करनी चाहिए? सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग से स्टोरी है, मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर रहा था, बहुत अच्छी कंपनी थी, वहां के असिस्टेंट मैनेजर से मेरी बहस हो गई और उन्होंने मुझे एक अब्यूजिव टर्म यूज किया, टेक्निकली उन्होंने गाली दिया, और मुझे लगा यार नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैंने जो अपना आई कार्ड था फेंका उनके सर पे, और उस दिन मैंने अपने से प्रॉमिस किया था कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो मैं जॉब नहीं करूंगा। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, मेरे पास 12th की डिग्री थी वो भी ओपन से, 10th मैंने नॉर्मल किया है, मेरे पास कोई IIT या फिर कोई BTech या इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी, बट ये मेरा फॉर्म प्रॉमिस था कि आज के बाद मैं जॉब नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और वो दिन था। अब जॉब नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, अब मेरे अंदर कोई पोटेंशियल तो है नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बीटेक की डिग्री नहीं है, बीए की डिग्री नहीं है, तो फिर मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा था कि मैं करूंगा क्या। तो करते करते फिर वही उसी दिन उसी शाम वो रेस्टोरेंट वाली इवेंट हुई, क्योंकि उस दिन लगा कि मैं जॉब से तो निकल गया, ये आखिरी दिन मेरे पास पैसे है तो आज मैं एंजॉय कर लूं, कल का क्या पता कल हो ना हो, मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा था। वहां पे गया, वो इंसिडेंट हुआ, 6 महीने मैंने बड़े मुश्किल से काटे, इंग्लिश सीखी, और उसके बाद फिर ये जर्नी है। इंग्लिश के बाद मैंने बुक्स लिखे, फिर मैं मुंबई गया, फिर मैंने वेब सीरीज प्रोडक्शन की कंपनी बनाई, कंटेंट बनाना शुरू किया, लाइफ वहां भी बहुत अच्छी चल रही थी, बट सैटिस्फैक्शन नहीं था। आई वांट मुझे कुछ ऐसा करना था जो लार्ज स्केल पे इंपैक्ट क्रिएट करे, बहुत मेरे पास मैं ऐसा सोच रहा था कि जो हालात थे मैं गुजरा हूं, मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूं जिससे कम लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी आसान बना सकूं। तो फिर मैंने मैकटप पे काम करना शुरू किया।
क्या बात है। तो आपकी ये जो 11वीं किताब है, 11th बुक है, इस बुक के बारे में थोड़ा बताइए हमें। ये सर, इसका नाम है ए प्रॉमिस एमंग द डार्क विंड्स। ये बेसिकली एक माइथोलॉजिकल फिक्शन है, एक फैन फिक्शन है, एक फैंटेसी फिक्शन है। एक इंडिया के बहुत ही मिस्टीरियस शहर में सेट है, उसका नाम है सिटी ऑफ सिम्फाला। ये एक ऐसा शहर है जहां हमेशा सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, मेन सिटी से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत कम घर है, मे बी 1000 घर होंगे, बड़ी अलग ही दुनिया ये। वहां पे क्या होता है, एक लड़का एक लड़की मिलते हैं एक शाम, बहुत ही खूबसूरत शाम को, एक बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की होती है, बहुत ही खूबसूरत लड़का होता है, वो दोनों में प्यार हो जाता है। जब वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, यार ये लड़का बहुत अच्छा, लड़का बोलते लड़की बहुत अच्छी है, जब एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं तो ना बड़ा अजीब सा बिहेवियर वो नोट करते हैं। लड़का को लगता है कि लड़की इतनी डिफरेंट क्यों है, अजीब क्यों है, लड़की को लगता है लड़का इतना डिफरेंट क्यों है। फिर वो दोनों अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो लड़की को रियलाइज होता है कि मैं आम इंसान हुई नहीं, मैं गोल्डन एंजल हूँ। गोल्डन एंजल का कॉन्सेप्ट ये है कि सी एक ऐसी लड़की है जो पूरे फेरीलैंड में, परियों के जो देश होते हैं वहां सिर्फ एक ही पीस है। सी वंस कम्स इन अ जनरेशन, सी सो ब्यूटीफुल, सो कैरिस्मेटिक, सो वंडरफुल। लड़का जब अपने आप को फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ मैं कौन हूँ, तो लड़का को लगता है, पता चलता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। फिर वो दोनों अपने आप को और कोशिश करते हैं कि मैं धरती पे क्या कर रहा हूँ, मैं आम आदमी नहीं हूँ। तो उनको लगता है कि 20,000 साल पुरानी एक हिस्ट्री से अटैच्ड है। 20,000 साल पहले क्या हुआ था, 20,000 साल पहले ये हुआ था कि जो ये अभी भी ये घटनाएं अभी भी होती है, बहुत वंस इन मिलियंस ऑफ ईयर। इसको कहते हैं प्लानिटरी अलाइनमेंट। उस टाइम क्या होता है, जितने 9 ग्रह होते हैं एक एक्सिस में आ जाते हैं। 9 ग्रह जब एक एक्सिस में आते हैं तो होता ही है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है इतना ज्यादा हो जाता है कि वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होता है। समंदर का पानी बहुत, 10 टाइम्स बड़ा सुनामी, 10 टाइम्स बड़ा भूकंप। उस टाइम क्या हुआ था, वो डिस्ट्रैक्शन का टाइम एक हिस्ट्री क्रिएट हुई थी, वहां पे इन दोनों का ओरिजिन हुआ था। और वो ओरिजिन की जो स्टोरी है आज रियल लाइफ में वो चल रहे हैं, तो वो उसकी स्टोरी है कि वो साथ क्यों रह रहे हैं। एंजल और मॉन्स्टर दोनों का जो ट्रेट है बहुत अलग है, बट दोनों साथ में आज भी क्यों है, तो ये स्टोरी है। और ये कपल ऑफ पार्ट में आएगी, दिस इज द पहला पार्ट है, अभी इसके 6-7 पार्ट में स्टोरी खत्म होगी। तो अभी आगे सत्यपाल को और क्या करना है, क्या लाना है, नई चीजें लोगों की? सर मैं एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ। मैं 2 कॉन्सेप्ट पे काम कर, होपफुली इस अगले साल मैं एक रिन्यूअल एनर्जी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, एक मैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पे काम कर रहा हूँ, जिसमें लाइक वो भी कहीं ना कहीं लिटिल बिट ऑफ सोशल कॉज से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी जैसे मैं पटना आया हूँ, यहाँ पे इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कहीं कहीं इंटरनेट मेरा नहीं चलता। What happened कि मैं कुछ चीजें ऐसी क्रिएट कर दूं जो 90% काम बिना इंटरनेट को हो सके। अरे वाह, ठीक है। सो हम इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, वी आर वेरी क्लोज टू इन्वेंट दैट। तो नेक्स्ट ईयर एक रिन्यूअल एनर्जी, वन इन फ्रॉम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकटप को लेकर हमारे बड़े एम्बिशियस प्लान है, अभी 50 लोग मैकटप में काम करते हैं, हम नया ऑफिस खोल रहे हैं, हमने अभी एक ब्रांच भुवनेश्वर में डाला है, पटना में वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इट। हम अब मैकटप में कब डाल रहे हैं भाई, पटना में हमारा था पहले, कोरोना के पहले था, कोविड आया तो बंद हो गया, बट फिर हम प्लान कर रहे हैं 2-3 महीना पटना में फिर शुरू करने वाले हैं। हम अभी मैकटप को यूजर के नहीं, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जैसे आप दैनिक जागरण बिजनेस है। सो व्हाट इफ हम आपको एम्पावर करें कि आप 3x रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने कंटेंट से, तो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम कर रहे हैं। तो मैकटप B2B में भी, तो बिहार के लोगों के लिए क्या देंगे सत्यपाल? बिहार चूंकि आपका एक ओरिजिन स्थल है, तो बिहार के लिए क्या सोच रहे हैं? और इसमें मैं पूरे इंडिया को कवर कर लूं कि जो छोटे शहर का लड़का होता है जिसके सपने बहुत होते हैं लेकिन उसका एक्सेस बहुत चीजों में नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे कि वो जिंदगी में क्या ऐसा करें कि जीवन में आगे बढ़ते रहे? आई थिंक पहले मैं बिहार से शुरू करता हूँ। आई थिंक बिहार के लोगों में पोटेंशियल बहुत है, गाइडेंस की बहुत कमी है। यहाँ के मैक्सिमम मैंने जितने स्टूडेंट्स से मिलता हूँ, वो इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनका जो नॉलेज बेस्ड है ना बहुत लिमिटेड है, ठीक है, वो कभी अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते। सब अगर एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे तो हर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में गए, एक अगर बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है हर कोई बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है। बट आज के टाइम में 21st सेंचुरी में जॉब की अपॉर्चुनिटी इतनी है, स्किल्स की अपॉर्चुनिटी इतनी है कि जितना टाइम आप यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि अगर मेरे से नहीं हुआ नहीं हुआ, यू हैव एन नंबर ऑफ पोटेंशियल टू डू लॉट ऑफ थिंग, तो आप उसको एक्सप्लोर करो। एक ये, दूसरा पैशन नहीं ऑब्सेशन पे आओ। पैशन ये होता है कि मुझे एक काम करना मुझे बड़ा मजा आ रहा है तो मैं काम कर सकता हूँ, बट 6-7 घंटे ज्यादा नहीं करूंगा, बोर हो जाऊंगा। ऑब्सेशन ये होता है कि वो काम को मैं 12-14-16 घंटे भी करूंगा। तो आज के टाइम में जो होता है ना कि जो कर रहे हो पैशनेट होकर करो, पैशनेट के साथ ऑब्सेस्ड होकर करो, तभी लाइक दुनिया बहुत कॉम्पिटेटिव हो गई। आपको 18 घंटे तक काम करना पड़ेगा, और 1-2 दिन नहीं, लंबे पीरियड तक, सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम काम करना पड़ेगा, तब आपको जाके बेसिक लेवल का सक्सेस मिलेगा। इंडिया के लोगों के लिए ये कि यार इंडिया इज अ वेरी वंडरफुल कंट्री, स्पिरिचुअल कंट्री, हमने वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है, हमने रिलीजन दिया है, स्पिरिचुअलिटी दिया है, हमने कल्चर दिया है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आर टैलेंट। हमारे सबसे वर्ल्ड में सेकंड सबसे पॉपुलेस्ट हमारा कंट्री है,
हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं, वी जस्ट नीड टू एक्सप्लोर आवरसेल्फ व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग. हम मोस्ट ऑफ द लोग, हम अपने मोस्ट ऑफ लोगों के साथ प्रॉब्लम है, हम अपनी पोटेंशियल नहीं एक्सप्लोर करते, हम बस चलते हैं. जी, वी नेवर ट्राई टू फिगर आवरसेल्फ. तो सत्यपाल, मुझे लगता है कि आप बहुत कमाल कर रहे हैं और जबरदस्त काम कर रहे हैं, और मैं आपकी ये बुक जरूर पढ़ूंगा और फिर रिव्यू दूंगा, लोगों को बताऊंगा. और मैं लोगों से भी कहता हूँ कि ये बुक जहाँ पे भी उपलब्ध हो उसको जरूर पढ़ें और खूब सारा पढ़ें, बाकी सारे इनकी पुरानी बुक्स को भी पढ़ें. और चूंकि हम बिहार में हैं तो भाई सत्यपाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. ऐसा ऐसा ही हमको चाहिए, हीरा चाहिए, हीरा है भाई आप. आगे बढ़िए, ऐसा आप बनाइए कि खटाक सा सब पढ़ ले इंग्लिश इंग्लिश. इसलिए हम लोग कहते हैं कि हिंदी जो है इंग्लिश में सर्व कीजिए और हिंदी पे गर्व कीजिए. यस, बहुत इम्पोर्टेंट है ये. तो इंग्लिश में सर्व करना भी जरूरी है ही नहीं. देखिए, क्योंकि कम्युनिकेशन ना है जी, लोग कैसे बतियाओगे. यस, तो वो भी जरूरी है, बाकी हिंदी तो है. तो सत्यपाल जी बहुत बहुत बधाई हो. आप रेडियो सिटी पे हैं और हमारा सर पंच लाइन है रग रग में दौड़े पटना. तो हमारे साथ कहते हैं रग रग में दौड़े पटना, रग रग में दौड़े पटना, रेडियो सिटी. हाँ, थैंक यू सो मच. थैंक यू.